या सर्जिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ फोल्डिंग स्वेदन पेटी, जो फाइबर में बनी हुई है। कैसे फोल्डिंग करने का वो इस वीडियो में पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे छोटा वाला जो पार्टिया है वो सबसे नीचे रखने का, ऐसे भी आगे की प्रोसेस में दिखा रहा हूँ। अभी ये सबसे पीछे रखने का, जो रेक्टेंगल पार्टियाँ है वो सबसे पीछे रखना पड़ेगा ऐसे। उसके अंदर नट बोल्ट भी भराना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये आप देख सकते हो हर एक में होल दिया हुआ है, ऐसे नट बोल्ट आपको लगाना पड़ेगा। देख लो ये पूरा एक जगह पे नट बोल्ट के लिए होल दिया हुआ है। फिर ये दोनों पार्टी है वो ऐसे लगाने का, उसमें भी होल दिए हुए ही है, तो उसमें नट बोल्ट आपको फिट करना पड़ेगा। अभी ये दरवाज़ा है, इसको ऐसे फिट करने का। अभी ये पूरा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो ऐसे नट बोल्ट आएंगे। अभी अंदर का मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये अंदर गैप दिया हुआ, ये मतलब हाइट आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। देखोगे अभी ये देखो एक पार्टियाँ दिया हुआ ही है, वो आपको सेट करने का है इसके अंदर। आपको जितनी हाइट रखनी हो उतनी कर रख सकते हो। यहाँ पे पेशेंट बैठेगा, सी से पाइप आएगी, जिस वो कैसे रखने का वो इस वीडियो में दिखाता हूँ। ये लास्ट में होल दिया हुआ है, उसके अंदर आपके नोजल आएगी पाइप की, वो अंदर चली जाएगी। इसमें होल दिया हुआ है ये, तो यहाँ से स्टीम बाहर आएगी। और वो साइड में ही आएगी, मतलब पेशेंट जलने का कोई भी चांसेस नहीं है। अभी ये पूरा इलेक्ट्रिक कुकर इसमें सेट किया है स्टिंग देने के लिए, जो बिजली से चलता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे पीछे जो मैंने आपको दिखाया था हॉल, उसके अंदर एक पाइप लगा देने की। ये पीछे का स्ट्रक्चर है पूरा। कुकर का वाल ओपन कर दिया है, तो यहाँ से जो हॉल दिख रहा है वहाँ से स्टीम आने लगी। अभी ये देखो पूरा स्टीम बॉक्स यहाँ पे प्रॉपरली स्टीम आ गई। यहाँ पे आपको रूमाल रखना पड़ेगा जिससे स्टीम बाहर ना निकल जाए। रूमाल हारो ले लो, हमेशा रूमाल हारो।